तो जो शुरू का वक्त होता है ना, इसमें जो मनवाना है मनवा लो, बाद में मानने वाली कोई कहानी नहीं है। ये तजर्बा है हमारा। जो लाग होता है ना, लोहा जब गर्म होता है उसको जिस जहां टेढ़ा करना वहां फेर दो, फिर जाएगी। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उस पर कोई असर नहीं करता। तो शुरू शुरू में मोहब्बत बड़े जोश में होती है, तू भी बड़ा जोशीला होता है, वो भी बड़ी जोशीली होती है, दोनों मोहब्बत में डूब के मर रहे होते हैं। तो ये डूब कर मर रहे तो उसी वक्त उसको अल्लाह की अतात पे लगा देना, सब्र मत करना। ये मौका जिसने जाया कर दिया सारी जिंदगी पर सब्र करेगा, फिर तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। तो मेरे जान के टोटो, ये मियाँ बीवी की जितनी भी लड़ाई है ना, इसको टेंशन मत बना, इससे पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए, इतने घर तबाह बर्बाद हो गए कि मत पूछो। अल्लाह खैर फरमाए। तो तीन चीजें ऐसी हैं, नमाजों की पाबंदी। अब मुझे देखेंगे शेख माजूर हो गया तो तुम लोग सारे माजूर हो गए, ये ऐसा नहीं होता है। अपनी बेफिक्री को माजूरी मत समझो। मुब्तदा का माजूर होना तबाही है। क्या है मुब्तदा? वो आदमी है कि माजूरी में भी अपने आप को कंट्रोल करेगा। इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि जब इंसान तालिबेलम होकर बीमार होकर उस बीमारी में भी पड़ेगा तो क्लास पास कर लेगा, और अगर उसने छोड़ दिया तो गया। और एक मुफ्ती बीमार हो जाए तो उससे उसकी सनत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ये सारा पढ़ के आया है। तो इंतहा में जाकर के अल्लाह ताला किसी को माजूर कर दे तो उजर के अंदर फैज फैलता है, और जब वो कष्ट करता है तो फैज दबना शुरू हो जाता है। जब बीमारी आती है अल्लाह की तरफ से, तो क्योंकि माजूर अल्लाह ने किया उसको, तो जिसको अल्लाह ने कमाल अता किया है तो वो इन मराहिल से गुजरा होता है। अगर मुफ्ती बीमार हो जाए और मुताला ना करे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर अगर तालिब इलम छोड़ देगा तो उस पर असर पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि भाई तुम लोग नमाजों में तुम्हारे जो है सुस्ती आ जाएगी, तुम कहो कि हम जो है ना पहुंची हुई सरकार है, ये तुम्हारी तबाही है। नमाज को मजबूती से पकड़ लो। मुझको बीमार किया अल्लाह ने किया, वही शिफा देगा, तुम लोग नहीं कर सकते, मगर तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए। तुम मेरे पीर नहीं हो, मुरीद हो। तो ख्यालात को पकाना छोड़ो, इलाज करो और निकलो। लड़कों के साथ जो बेरीश हो, ज्यादा बेतकल्लुफी मत किया करो। एक जहन पे सवार मत करो, देख लिया बस जाओ निकलो। जैसे बस एक कीचड़ रास्ते में आया था तुम उससे निकल गए, अब उस कीचड़ के बारे में मत सोचो कि रास्ते में कीचड़ क्यों पड़ा था। अगर इसकी तरफ सोच आ जाएगी तो फिर तुम्हारे दिल में पक जाएगा, बस कीचड़ था चला गया, मैं गुजर गया। इस कीचड़ से गुजरने का हुक्म है, इस कीचड़ पे सोचने का हुक्म नहीं है। सोचोगे तो शैतान तुम्हें मुब्तला कर देगा। बस यही हाल लड़के की और लड़की का है। आ गए, इलाज किया, बस एक निकालो चलो, दिमाग पे मत बैठाओ, मत सोचो क्यों आई थी, क्या हुआ था इसके साथ, क्या बिल्कुल मत सोचे इन मामला। इलाज को छोड़ो मत और अल्लाह से निस्बत तोड़ो मत। कोई मुश्किल काम नहीं है। इस दुआ को कसरत से पढ़ो। अगर ज्यादा है तो अपनी बीवी का ख्याल ले आए, जिसकी बीवी ने वो हुजूर का ख्याल ले आए। समझ गए? कुछ ज्यादा ही शौक है तो फिर जन्नत की हुरों का सोचो। क्या सोचोगे? जिधर इधर सोचा है तो जन्नत की हूर की तरफ चले जाना, क्योंकि अगर तुम्हें कूड़ी तो तुम भूलोगे नहीं। चलो उसका इलाज यही है। तो ये तबाही है। ये रास्ता बड़ा नाजुक भी है, मगर अल्लाह हिफाजत करेगा। अपने आप को इससे बचाओ, बाकी अल्लाह मालिक है।
तो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिन निसाई व मिन अज़ाबिल क़ब्र, कसरत से पढ़ो, बचते रहोगे। दूसरा है माल, खयानत मत करो, भूख से मर जाओ मगर जो तुम्हें किसी ने अमानत रखा है उसमें से खयानत मत करो। अगर इस पर आपने इस्तिकामत दिखा दी तो अल्लाह गैब के खजाने तुम पर खोल देगा, क्योंकि अल्लाह गैब के खजाने मुत्तकी पे खोलते हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह। गुनाहगार पर नहीं कि तूने अल्लाह का मांगा कि तूने दूसरे का अमानत खा ली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरे पे गैब के खजाने खोल दे, तो गैब के खजाने का दरवाज़ा तो तुमने बंद कर दिया। ये ईमान रखो कि ये ज़मीन खुश्क हो जाए या आसमान बरसाना छोड़ दे तब भी अल्लाह देगा, हम उसके बंदे। अल्लाह रिज़िक देने में इनका मोहताज नहीं है। असबाब के बाद जब तुम्हें ना मिले तो अल्लाह गैब के खजाने खोलेगा। घर में बैठा या अल्लाह मुझे गैब से दे, तो ये तेरे को मारने के लायक है। एक बंदा रिज़क की तलाश में निकला और रिज़क नहीं मिला, इस पर अल्लाह गैब के खजाने खोलेगा। रोज निकले, चोरी ना करे, क्या करे, अल्लाह उसको जरूर देगा। और बंदे के ख्याल दिल में ना लाए, यार फलाने के पास चला जाऊंगा वो 500 रुपये दे देगा, ये ख्याल भी दिल में आ जाना तौबा करो, ये फलाना दे दूंगा, ये सेठ साहब होगा उसके पास जाऊंगा तो मुझे खिला देगा। ये मैं तुम्हें अपने तजर्बात बता रहा हूँ। मेरे साथ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिससे मांगा उसने नहीं दिया, जिससे उधार मांगा उसने दिया ही नहीं है। फिर जब तौबा की है, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने दिया है, इसलिए मैं किसी का नंबर जेब में नहीं रखता, मुझे सेठों की ज़रूरत नहीं है। सेठों का अपने घर का होगा, जब चाहिए होगा अल्लाह दे देगा। तो जिक्र कसरत से करने से और अपने ईमान आमाल को बचाने के बाद अल्लाह गैब के खजाने खोलेगा। बताना नहीं किसी को, शेख को भी मत बताना, इसलिए कि हज़रत मरियम के पास जो पल आते थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को नहीं बताए थे, उन्होंने जब खुद देखे ये कहाँ से आए, तो फरमाया अल्लाह ने दिए। तो जब शेख तुमसे ये मामला पूछे और उन पर खुल जाए तो फिर ये कहाँ से आए, तो अल्लाह ने दिया। ये मत बोलो शेख कि मेरे साथ ये होता है तो मेरे को 1000 रुपये यहाँ से मिले थे, तो बेगम को बताइए देखो ये 1000 रुपये कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। अब वो बेगम को बता देती है कहाँ से आए, अच्छा हज़रत मेरे साथ तो ये हो रहा है, बस ठीक है, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। करो ना, हमने क्या बोला है। गैब का मतलब है छुपाना, जब वो है ही गैब तो तुम क्यों जाहिर कर रहे हो उसको। माल के पीछे पागल हो गए, जिक्र करेंगे 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 करेंगे, क्योंकि लेला तो नहीं मिली। तो मैंने एक शेर का, जिक्र करने से लैला न मिले तो मौला तो मिलेगा, मौला जो मिलेगा लैला भी मिलेगी, चेला भी मिलेगा, लैला भी मिलेगी, चेला भी मिलेगा। मौला मिल गया सब कुछ मिल जाएगा। तुम आते लैला के लिए हो, दुनिया भी एक लैला है और हमें पता है इस लैला को पहुंचाने का एक ही रास्ता है, अल्लाह का जिक्र है। खुद ही पहुंच के आके बोलेगा यार ये लैला किसी काम की नहीं है, सब कुछ तो मौला है, रास्ता तो यही है। एक आदमी अगर खाना काबा जा रहा है तिजारत के लिए तो जा रहा है, हमने भी गए भी तिजारत ये, तो चलो खाना काबा पहुंच के खुद ही इश्क उठ जाएगा। और जिस दिन इश्क उठ गया तो तौबा करेगा, और जब वो तौबा करेगा तो बिमग़फ़िरतन अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला उसको भी लिख देगा नेकियों में। ये कहते नहीं पहले दिन से इखलास, ये इखलास अगर पहले दिन से बंदा सारे वलीउल्लाह बन जाओ ना, फिर इसी इखलास को पैदा करने के लिए तो अल्लाह ने अंबिया को पैदा किया है। और एक तुम लोगों का शरा सदर,
ये शरह सदर जिनके सीने खुल जाए, ये ज्यादा किताबें पढ़ने वाले का शरह सदर नहीं होता, क्योंकि सदर में शरहें बहुत मिलती हैं। आप लोगों ने समझ, जिसने बहुत ज्यादा मुताला किया होगा इसका शरह सदर खुलेगा, ये आपकी खाम ख्याली है। हुजूर ने कोई मुताला नहीं किया है, सीना खुला है। साहबा ने मुताला किया है, नहीं खुला है। यहां तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब तौरात खोली थी तो आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, ये भी मुताला बंद। तो तुम लोग समझते हो कि जिसने बहुत ज्यादा शराय पढ़ी होंगी उसका शराय सदर खुला है। ये जो कियास है ना, ये राय, ये इज्तिहाद, साहिब राय किसको कहा जाता है? साहबा को साहिब राय इसलिए कहा जाता है कि सीने खुल चुके थे। अल इल्म नूरुन, वो नूर जो था सीने में उतर चुका था, तो वो नूर अल्लाह से भरा, इसको कहते हैं इल्हाम और इल्का। ये नकल होती है, तो जिनके सीने खुल गए तो उनकी जो शरह होती है बिल्कुल कुरान और हदीस के मुवाफिक होती है, उनका जो कयास होता है कुरान। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो इश्तियात फरमाया, आज उसको सियाह सित्ता में अहदीस देख लो, वो मौजूद है। यानी वो बातें जो उनके पास अहदीस नहीं पहुंची, वो इश्तियात हदीसों की शक्ल में आपके सामने है। कब किया है? तो जो मतन के साथ उन्होंने हदीस लिखी है उसका क्या मुकाम होगा? आप लोगों को तो कहीं हवाला नजर नहीं आता है मुझे, क्योंकि आपके नजदीक वो मुहद्दिस नहीं है। 1126 सुलासियात है इमाम अबू हनीफा के, कितने? 1121 सुलासियात में इमाम बुखारी का नंबर एक दर्जा रह गया आप लोगों ने। ये 1126 वाला कहां जाएगा? अगयार का जादू चल भी गया, हम एक तमाशा बन भी चुके, औरों की कहानी याद रही खुद अपना फस। अब बोलो ना, मैं इमाम अबू हनीफा का फैज मेरे पास है इसलिए मुझे पता चलता है, तुम लोगों को क्यों पता नहीं चला? 50 साल से पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पता चला आप लोगों को? ये अल्लाह रूही फैज से ही बुलंद करता है इंसान को। इल्म अभी होता है कि नहीं होता? 19 सिफत है हुजूर की, लिखना भी कम जानते थे, पढ़ना भी कम जानते थे, मगर इल्म कितना है। तो इसका मतलब है लिखना पढ़ना मुनाफी इल्म नहीं है। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, यह कहना है कि इसके पास इल्म नहीं होगा, तो क्यों? लिखने का ताल्लुक हाथ से और पढ़ने का ताल्लुक जबान से, और इल्म का ताल्लुक दिल से। सीने जिनके कुल गए ना, ए रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अलम नशरह लका सदरक। ये कहाँ जाएगा? ये उम्मी फेस। अगर आप अलैहिस्सलाम को सारे उलूम दे दिए जाते तो फिर तो उम्मी नहीं थे, यही तो मुअज़्ज़ा है आपका। तो ये उम्मी फेस भी जारी रहेगा उम्मत में, और ऐसा जारी रहेगा कि तुम्हारे बड़े बड़े किताबों वाले दंग रह जाएंगे। अल्लाह देगा, किसी ना किसी को जरूर देगा, इनकार मत करो। मुझे दिया है, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें नहीं दिया तो जाके तुम तलाश करो, इधर आओ मेरे साथ जिक्र करो, मिल जाएगा। नहीं मिले तो फिर बोलना, तुम खुद सोचोगे। कहते सूफियों के पास इलम नहीं होता है, तुम लोगों के पास इलम है, सूफियों के पास इलम नहीं है। पहले बताइए इस्तिलाह क्या होती थी? उलमाए जाहिर, उलमाए बातिन। उस्ताद को अल्लाह ताला ने इल्म बातिन में चलाया। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद थे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सनत इल्म बातिन में चल रही हो, शागिर्द की इल्म जाहिर में चल रही है। तुम लोगों ने जुदा किया हुआ है इसको, ये जुदा नहीं है, कभी पानी जुदा नहीं हो सकता है। ये जिस्म रूह से अलग हो जाए तो ये जिस्म बेकार है। आज अगर तुम जो आप लोग कहते हैं जी, मेरे का एक आया जी, मैं हजरत कशफ कर, मैं जाके कबर पे कशफ करना जायज है, साबित है, बैठो
अगर कोई तुमसे पूछे वो तफक्करू नफी खल्क समावाती वल अर्द है ना बाबा, ये भी जमीन है ये भी खल्क है, हम कर रहे हैं ना फिक्र। तो कह रहे आंख बंद करके क्यों करे, बोलो जब मुर्दे को देखेंगे तो आंख बंद करेंगे, ख्वाब में नजर आते हो, जब जिंदे को देखेंगे तो खुली आंख से देखेंगे, समझे ना, क्योंकि इंतकाल कर चुका है इसलिए आंख बंद कर रहे। और तू जाहिर में जिंदा है तो तेरे को देख रहा हूं, जब तू मर जाएगा तो तेरे को भी ख्वाबों में ही देखूंगा, सामने तो तू नजर नहीं आएगा, तेरे कब्र खोदना भी हराम हो जाएगी, और पता नहीं जब कब्र खोदूंगा तेरी हड्डियां बची होंगी कि नहीं बची होंगी।